आनंद ब्रह्म विद्या अधिजिगमिषवस्तैत्तिरीया गभीरम् मीमांसन्ते स्म विश्वम् तदुदय विलयम् निर्भयास्तत्स्वरूपम् कल्याणी काण्वबाणी विमृशति मधुरम् वीणयन्ती च तत्त्वम् तत्पूर्णानन्दतीर्थे मधुनिभयममे निर्द्वयम् लीलयामः। अभिनवनवनीतस्निग्ध मापीत दुग्धम् दधिकण परिदिग्धम् मुग्धमंगम् मुरारे दिशतु भुवन कृच्छ्रच्छेदि तापिच्छ गुच्छच्छदि नवसुखि पिच्छैर् लांछितम् वांछितम् नः। फिर ये रहा वृंदावन। चाहे वृंदावन मन में आवे चाहे मन वृंदावन जाए, दोनों में कोई अंतर तो पड़ता है। मन का जो आकार है वो बाहर जाके बने कि बाहर की वस्तु नेत्रादि द्वारा शास्त्रादि द्वारा भीतर आके आकार बनावे। दृश्य का भी आकार मन में बनता है, श्रुत का भी बनता है, स्मृत का भी बनता है। मन का आकार हो जाने दो वृंदावन। बहुत से आकार पाले हुए हैं मन में, स्त्री का, पुत्र का, धन का, परिवार का, रिश्तेदार का, नातेदार का, देवी का, देवता का, बहुत सकल सूरत मन में पाली हुई है। एक और पाल लो, 50 में 51 कर दो, 100 में 101 कर दो। ये ऐसा चूरा है कि जैसे गंदे जल में निर्मली बूटी का चूरा डाल दें और उसका मल जो है वो निकल जाए, शुद्ध हो जाए, फट जाए सारी गंदगी, ऐसे मन में वृंदावन के प्रकट होते ही ये जो जन्म जन्म से या इसी जन्म से, जन्म जन्मांतर से या इसी जन्म से, दृष्ट से या श्रुत से, भोग से या कर्म से, ज्ञात रूप में या अज्ञात रूप में, कृत रूप में या अकृत रूप में, जो कुछ मन में गंदगी भरी हुई है उसमें मानो गंदगी के बीच में एक फिटकरी का टुकड़ा घुमा दिया, अंतःकरण का सरोवर निर्मल हो गया। अब पूछो ये वृंदावन क्या है? तो वृंदावत वृक्षों का वन, वृंदावन तुलसी, तुलसी के समान वृक्षों का वन, तुलसी काननम जत्र, जहाँ तुलसी का वन है वहां तो भगवान प्रकट रूप से रहते। छोटे छोटे वृक्षों का वन माने जिसमें हिंसक पशु न रहे, ऐसे वन का नाम वृंदावन है। ये फूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, कारण सृष्टि, इन तीनों से विलक्षण ब्रह्म। वेदांति लोग भिन्न शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कंगन में और हार में
तात्विक भिन्नता नहीं है, लक्षण की भिन्नता है। है तो सोना, पर एक है हाथ में पहनने के लिए जेवर के रूप में और एक है गले में पहनने के लिए हार के रूप में। हार और कंगन दोनों विलक्षण तो हैं, लक्षण में वैविध्य है परंतु तत्व में एकता है। तो वेदांती लोग प्रायः भिन्न शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, विलक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं। लक्षण ही अलग अलग है, तत्व अलग अलग नहीं है। देखो प्रपंच से ब्रह्म भिन्न है हो, परंतु ब्रह्म से प्रपंच भिन्न नहीं है। तब प्रपंच का लक्षण है दृश्यत्व और ब्रह्म का लक्षण है प्रकाशकत्व, और तत्व दोनों दो हैं कहने दो नहीं है, एक ही है, तो भिन्न भिन्न नहीं होता है। भागवत का कहना है कि तस्मात् नह्यात्मनोऽन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः, तस्मात् नह्यात्मनोऽन्यस्मात्। आत्मा तो है संपूर्ण प्रपंच से विलक्षण, परंतु आत्मा से अन्य और कोई वस्तु है नहीं। तस्मान् नह्यात्मनोऽन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः, अन्यस्मात् आत्मनः अन्यो भावो न निरूपितः। सबसे विलक्षण जो सबका साक्षी प्रकाशक अधिष्ठान आत्मा है, उससे पृथक कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो वृंदावत वृक्षों का जहाँ हिंसा नहीं है, ऐसे वृक्षों का वन, जहाँ वृंदा का वन तुलसी का वन, जहाँ वृंदा देवी का वन, जिस वृंदा के लिए स्वयं भगवान भी स्वधर्म का परित्याग करते हैं, इसलिए वृंदावन में रहने वाले भी या दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा, भगवान अपने दुस्त्यज धर्म का परित्याग करके वृंदा को स्वीकार करते हैं, तो वृंदावन वासी भी अपने दुस्त्यज धर्म का स्वीकार करके भगवान को स्वीकार करते हैं। अद्भुत है, दुनिया की रीति नीति कानून मर्यादा वो सब वृंदावन में नहीं है। स्थूल सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि कारण सृष्टि तुरीय ब्रह्म, और तुरीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं। तब तुरीय ब्रह्म में कारण के स्थान पर वैकुंठ और सूक्ष्म के स्थान पर द्वारका और स्थूल के स्थान पर ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि में आराधना का स्थान वृंदावन, और उसमें राधा रानी का विहार स्थल कुंज। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम वैकुंठाख्यो द्वारका जन्मभूमि, कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तन्मध्ये चेयम कुंजवाटी चकास्ति। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के लिए व्याकुल होते हैं, कृष्ण दृश्य नहीं होते हैं, तब अपने को खो बैठते हैं। तब कृष्ण राधा के लिए व्याकुल होते हैं, राधा दृश्य नहीं होते हैं। ये है वृंदावन का वेदांत। जन्म अवध सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप कोटि कल्प विहरत नहीं जानत, और कुल कोटि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। नयादि नयंत विहार करें दो
लाल प्रिया में बहीन चिन्हारी, राधा और कृष्ण में पहचान नहीं हुई, नूतन रस का एक आनंद का एक अद्भुत अनिर्वचनीय समुद्र, उसमें दो तरंगें उठी रस की, दोनों आके आपस में मिली, दाहिनी बाई हो गई, बाई दाहिनी हो गई, और फिर घूम के आई, फिर टकराई, तो दाहिनी बाई और बाई दाहिनी, राधा कृष्ण में भेद नहीं हुआ। वहां के वृक्ष कैसे, तो उपास्य हैं वृक्षों का, वृंदावन स्था सर्व सर्वे चाधो मुखा स्मृता, वृंदावन के वृक्ष सब अपने नीचे भगवान को देखते हैं, वो नीचे की ओर लटके हुए हैं, कहीं उनकी जड़ में लेट जाते हैं तो कहीं पेड़ों से चिपक के खड़े हो जाते हैं, त्रिभंग ललित भाव से बांसुरी बजाते हैं, कहीं पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, डाली पर पांव लटका के बैठ जाते हैं। तभी वृंदावन क्या हुआ, ध्येय वृंदावन हुआ, ध्येय वृंदावन जो ध्यान में रहता है भक्तों के, वो जड़ नहीं होता है, जो इंद्रियों के द्वारा दृश्य होता है उसको जड़ माना जाता है, यहाँ जिसका ध्यान किया जाता है उसमें जड़ता का आरोप नहीं होता है। अब थोड़ी सी बात वेदांत के लो, क्या देखो केनोपनिषद में उपासना की जो रीति है, तद्ह तद्वनम नाम, ब्रह्म क्या है, वन है, वन ये अंग्रेजी वाला वन नहीं है पर अर्थ उसका वही है, अनेक वृक्ष हैं, अनेक लता हैं, अनेक पशु हैं, अनेक पक्षी हैं, जाति जाति के वृक्ष हैं, परंतु सबको मिला के एक नाम उसका क्या है, वन, वन हो एक ही है, इसका विचार है वार्तिक में, पूर्व मीमांसा का जो वार्तिक है श्लोक वार्तिक, उसका विचार है कि वन एक है कि वन अनेक है, पेड़ और उसकी छाया एक है कि अलग अलग है। तो तद्ध तद्वनम नामा, उपनिषद का कहना है कि वन रूप में परमात्मा की उपासना करो, चाहे नाम कुछ दिखे, रूप किछ कुछ दिखे, क्रिया कुछ हो, गुण कुछ हो, स्वभाव कुछ हो, परंतु उसमें है कौन, तो वही वन बोलते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र आता है, किंस्विद वनम कौ वृक्ष आसो, वो वन कौन सा है, वो वृक्ष क्या है, जिससे विश्वकर्मा ने ये सृष्टि बनाई है। तो कृष्ण यजुर्वेद में ये मंत्र दूसरी तरह से, ब्रह्म वनम ब्रह्म वृक्ष आसो, ब्रह्म ही ये वन है और ब्रह्म ही वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। जड़ता तो भ्रांति सिद्ध है, कोई विचार सिद्ध नहीं है, अनुभव सिद्ध नहीं है। तब यदि वेदांतियों को भ्रम का बहुत आग्रह हो, तत्वज्ञानी लोग कहते हैं जो जो हम मन से सोचते हैं सो ब्रह्म, जो वाणी से बोलते हैं सो ब्रह्म, जो काम से करते हैं सो ब्रह्म, अत ऋषकवयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम् कथम अजथा भवंती भूविदत्त पदान निर्णाम। कोई पांव रखेगा महाराज तो कहाँ रखेगा, बोले धरती पर रखेगा। कैसी प्रकार कोई सोचेगा तो क्या आगा ब्रह्म, कब बोलेगा तो क्या आगा ब्रह्म, करेगा तो क्या आगा ब्रह्म, वहां तो महाराज करना ब्रह्म, बोलना ब्रह्म, सोचना ब्रह्म, ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसी का नाम है वृंदावन। बोला कथम अजथा भवंती भूवि दत्त पदा निर्णाम, अब आओ ब्रह्म में, ब्रह्मणि ब्रह्म जृम्भते, ये प्रपंच क्या है कि ब्रह्म में ब्रह्म की जम्भाई है, जृम्भा है,
जैसे जम्हाई जमाने वाले से अलग नहीं होती, वैसे ये प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं है। अब आ गए वृंदावन में। महाराज हमने देखा, क्या देखा? और कोयल बोल रही है कुहू कुहू, और कौवा बोल रहा है काव काव, और तोता बोल रहा है टेव 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 टेव, और कुतिया बोल रही है काय काय। ये सब क्या है कि मैं ही तोता में वो बैठकर टेव 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 बोल रहा हूँ, मैं ही कोयल में बैठ के कुहू कुहू कर रहा हूँ, मैं ही कौवे में बैठकर काव काव बोल रहा हूँ, और मैं ही कुतिया में काय काय कर रहा हूँ। ये नाम रूप तो सब विलक्षण है। देखो ये है श्री कृष्ण की लीला। आप पढ़ना उखल बंधन के बाद जब लीला का वर्णन आता है, मैं वृक्ष होकर लहरा रहा हूँ हवा से, हमारे हरे हरे पत्ते खिले हुए फूल और ये रसीले फल, मैं हूँ कोकिल, मैं हूँ मोर बन के मैं नाच रहा हूँ, कोकिला बन के कुहू कुहू कर रहा हूँ, कैसा हरा हरा तोता हूँ मैं, काला काला कौवा मुँह में। और मोर तो सफेद भी होते हैं, कौवे भी सफेद होते हैं। ये देखो ये सर्वात्म भाव की प्रतिष्ठा, ये कृष्ण की लीला है। कहीं हंस के साथ चलते हैं, कहीं बगुलों के साथ बैठते हैं, और कहीं कोयल के साथ बोलते हैं। और मैं हूँ धरती, सबको अपने ऊपर धारण करता हूँ, तो मैं हूँ जल, लहराता रहता हूँ, मैं हूँ तेज, सबको प्रकाशता रहता हूँ और जीवन देता हूँ, मैं हूँ वायु, प्राणनी शक्ति मैं हूँ, मैं हूँ आकाश, सबका धारण आकाश, आकाश होकर मैं सबको अवकाश दे रहा हूँ, वायु होकर मैं सांस दे रहा हूँ, और तेज होकर मैं प्रकाश और ताप दे रहा हूँ, और जल होकर मैं सबका आप्यायन कर रहा हूँ, पृथ्वी होकर के सब शरीर बन रहा हूँ, और सबका भोग अन्न भी बन रहा हूँ। अहम अन्नम, इस आम गान है, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादः। अरे भाई आके एक बार देखो तो वृंदावन, क्या मजा है। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ कौन निहार, इस विपिन राज सीमा के बाहर ईश्वर भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। रे रे वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता मन, तऊ न हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ कौन निहार। ये है वृंदावन, सदा वृंदावन। यहाँ सर्व रूप में, यहाँ प्रकृति नहीं है, यहाँ जड़ता नहीं है, यहाँ दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है। वो तो विवेक काल में दृष्टा दृश्य का भेद होता है, अनुभव काल में दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है। अब आओ कृष्ण की लीला देखो, क्या मजेदार है। महाराज वहाँ गोप हैं और गोपी हैं। कृष्ण की मैया का नाम है यशोदा, उसने यश दिया भगवान को। वैसे वेद में पुराण में जहाँ जहाँ भगवान का वर्णन है, वहाँ ये वर्णन है कि संपूर्ण यश भगवान में ही रहता है। धर्म से यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्म से यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भगैतीरणा। भगवान से बड़ा यशस्वी तो सृष्टि में और कोई है नहीं, लेकिन जो यशस्वी को यशस्वी बना दे महाराज, चंद्रमा में भी चार चांद लगा दे, सूरज को भी रोशनी प्रदान कर दे, दिशाओं को भर दे, और काल को कल्पित बना दे, ऐसा यदि कोई है तो वो है देखो वृंदावन। यहाँ की लीला निराली, यहाँ अघ भी अघ नहीं होता है। ये लीला आपको हम सुनाना चाहते हैं। वृंदावन के सखा, हम तो
एक कुंज के सखा रूसे रानी ने बनाया, एक स्वरूप सदा द्वय नाम, नाम दो है रूप स्वरूप एक है, आनंद की आह्लादिनी श्यामा आह्लादिनी के आनंद श्याम। जसोदा मैया ने ऐसा जस दिया जो भगवान के पास पहले था ही नहीं हो। भला भगवान उखल में बंधे हुए हैं, ये जस क्या भगवान के पास था? बड़े जसस्वी थे, सब लोग उनका जस गाते थे। पर भक्त भगवान को बांध देते हैं, भक्त भगवान का यश, भक्त भगवान मुक्त भगवान नहीं, भक्त भगवान। अरे मुक्त भगवान है तो बद्ध कौन है? तुम्हारा चाचा है। वेदांति लोग ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिसको ये मालूम पड़ता है कि अहम मुक्त अयम बद्ध न सब मुक्त वाचा मुक्त, जो ऐसा मानता है कि मैं मुक्त हूँ और दूसरे लोग बद्ध हैं, हम सिंहासन पर और दूसरे लोग धरती पर, ऐसा नहीं है। वो एक ही धरती के चट्टे बट्टे साथ हैं। किस बात को लेकर बड़प्पन दिखाते हो? एक, बिल्कुल एक। तो क्या हुआ कि सखा लोग जो हैं वो सखा माने सहैव ख्यायते, जिसका नाम एक साथ लिया जाए, जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण सुदामा है, कृष्ण उद्धव, इनका नाम हुआ सखा। तो ये जीव है जो ये सखा है। अरे महाराज आया ठाकुर जी को भोग लगने को और हमारे बाबा जी तो पहले ही खाने लगे। एक बाबा जी थे, उनके साथ में भोजन करने बैठा। अब महाराज लोगों ने कहा भोग लगाओ, तो बोले कि हमारा उसका ऐसा है कि वो हमारी थाली में खाता है, हम उसकी थाली में खाते हैं। अरे भाई उसको पहले अच्छा दीदी सही, पहले उसको खाए तो ले दो, तो वो काहे को खाएगा, हमसे बड़ा है क्या, हम पहले खाए। उसको खाना हो तो हमारे हमको खिला के खाए, नहीं तो सखा खाएगा। ये है सही वक्त खाए थे, एक सही वक्त खादा थी, एक साथ खाए उसका नाम सखा, एक साथ ख्याती हो उसका नाम सखा। और ये जीव है सखा। परंतु श्री कृष्ण का सखा कहो, देखो साधना का प्रारंभ कहा। गोप, गोप माने एक तो होता है गांव का चरवाहा, इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े वेदवादी हैं वो कृष्ण के सखा नहीं है, जो बड़े बड़े राजराजेश्वर हैं वो कृष्ण के सखा नहीं। कौन है? जो गाय का चरवाहा है सो कृष्ण का सखा है। बड़े बड़े को छोड़ करके ग्वालों के साथ दोस्ती जोड़ी वो सखा हुए। जिसको कुछ लेना देना हो बड़े को दोस्ती बना दोस्त बना होगा, कहिए हमको महाराज दे देंगे अपना धन, एक को दोस्त बना, ये बना देंगे हमको मिनिस्टर नहीं कुछ सचिव बना देंगे, और मिनिस्टर से दोस्ती करो का कोई लाइसेंस दिलवा देंगे, ठीक है मिनिस्टर से दोस्ती करो। जिसको कुछ लेना देना नहीं है उसको बड़े आदमी से दोस्ती करने की जरूरत क्या है? तो कृष्ण हुए चरवाहे और चरवाहों से करी दोस्ती, ये हो गया ईश्वर का साधारणीकरण। साधारणीकरण रस शास्त्र में साहित्य में बोलते हैं, साधारणीकरण माने जिसको सातवें आसमान में निराकार करके फेंक दिया था, गोलोक में बैकुंठ में रख दिया था, उसको सातवें आसमान से उतार के जरा धरती पर ले आओ, अपने जीवन में ले आओ, इसको बोलते हैं चरवाहा। गाह पांति इति गोपाह, जो गायों की रक्षा करें उनका नाम गोप। भाई गायों के चरवाहे भगवान के बड़े प्रेम, उनके बड़े प्रेमी हैं, प्रेम है भगवान का उनसे, उनके साथ वो नाचते हैं, बिरहा गाते हैं, बिरहा अहीरों के गाने का नाम है बिरहा, देवियों के गाने का नाम होता है नयकवा, कहारों के गान का नाम होता है कहरवा राग भी है। हमारे गांव में सब रहते थे, हम एक एक दिन बुलाते थे।
आज हमारे नेकवा होगा, आज बिरहा होगा, है? आज पूर्विया, आज विदेशिया, ये सब गांव के गाने हैं। सारी लोगों को तो बस वही ऐसे ही, उनको तो फिल्मी गाने मालूम होते, कुछ नहीं, बस उनको यही मालूम होता है दिल के टुकड़े हजार सारी लोगों के तो दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं। गाह पालती इसी गोपाल, गाह इंद्रियाणि, भगवान का सखा कौन? जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखता है उसका नाम गो। गाह इंद्रियाणि पालती इसी गोपाह, तेषां पत्न्यः गोप्या, इंद्रियों की रक्षा करने वाले, और तुम्हारे लिए सुरक्षित है भाई, तुम चाहे मिटाओ चाहे भोग लो, है तुम्हारे लिए। गोप हैं, गोपी हैं। अब महाराज प्रातः काल होते ही नंद बाबा के दरवाजे भीड़ लगती है कि अभी जसोदा मैया लाला का हाथ मुंह धुलाएंगी और उसके बाल संवारेंगी, उसके सिर पर गोरोचन का तिलक लगाएंगी, रक्षा तिलक करेंगी कि किसी की नजर न लग जाए, बगनाहा पहनावेंगी और श्रृंगार करके खिला पिला के जब दरवाजे से बाहर निकालेंगे तो हम लोग उनको देख देख करके कृतकृत हो जाएंगे। गोपी और गोपों की भीड़ आज नंद बाबा के दरवाजे पर भीड़ लगी है। ठीक है, रोज ऐसा ही होता था, किसी से मुस्कुरा के देखते किसी की ओर, किसी से हाथ मिलाते, किसी को छाती से लगाते, किसी से प्यार करते, किसी को देख के सिर हिला देते, किसी को देख के आँख हिला देते, किसी को देख के मुस्कुरा देते। कंपेन मूर्धन शतपत्र जोनिम वाचा हरिम वृत्रहणम स्मितेन आलोक मात्रेण सुरान शेषान संभावयामास सुर प्रधाना। किसी की ओर देख लिया, किसी को मुस्कुरा लिया, किसी को नमस्कार कर लिया, किसी से आंख मिला ली और मौज से कृष्ण निकलते। जरा अपने मन को वहाँ ले चलो भाई, ये राग द्वेष नहीं है, यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, सब कहते जैसा मैं वैसा ही, जैसा मैं वैसा ही। जो ये स्वाम, ये भी गोप हम भी गोप, ये भी बालक हम भी बालक, बल्कि ये तो सांवरा है हम गोरे हैं, ये भागता है तो हम पकड़ लेते हैं, कुश्ती लड़ता है तो पछाड़ देते हैं। क्या होता है तुम्हारा कृष्ण बड़ा थोड़े ही होता है, ये है ब्रज भूमि हमारा। एक दिन कृष्ण ने कहा कि अभी सब सो रहे हैं, महाप्रलय का समय सब सो रहे हैं, आओ इनको जगावे। सो महाराज बांसुरी से तो जगेंगे नहीं, वो तो और सुला दे। हाँ, बांसुरी तो महाराज मोहनी है, मूर्छित करने वाली है। तब महाराज उठाया सिंह, बड़ा भारी सिंगा, और सिंगा जो कड़क आवाज में बजाया, सो महाराज चट चटाए के जो प्रलय प्रकृति का की प्रलय अवस्था थी वो टूट गई, और उसमें जो जीव सोए हुए थे अज्ञान निद्रा में वो जग गए, और जग गए तो अपने प्रारब्ध कर्मानुसार जो उनका भोग्य था उसको लिया और लेकर के महाराज बछड़ों के पीछे पीछे चले। वहां गए तो ओढ़ लगी आपस में, देखो पहले कृष्ण को कौन छूता है, और कृष्ण कहीं वन की शोभा देखने के लिए रुक जाते तो लौट आते, जब दूर चले जाते तो अहम पूर्वम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मेरे, अब ये देखो कृष्ण में कृष्ण की लीला, एक तरंग दूसरे तरंग के साथ खेल रही है। मई अनंत महाम्भोध अनंता विश्व बीचया उद्यंत नंत खेलंती प्रविशंत स्वभावता। मैं हूँ अनंत सच्चिदानंद का समुद्र, मुझ में बहुत सी तरंगें उठती हैं और तरंगें उठ उठ के उठती हैं, आपस में टकराती हैं, खेल लहराती हैं, और फिर समुद्र में जो कुछ हो, समुद्र से पृथक तो है ही नहीं, ज्वाल बालों की लीला प्रारंभ हुई। अब इन सखाओं ने करी बराबरी, बराबरी करी, फिर तो
भगवान की बराबरी कर रहे हो, ईश्वरो हम, अहम भोगी। और कंस के अहंकार के अधीन रहने वाला टूतना अविद्या का भाई बकासुर का छोटा भाई, बक है दम, बक है दंभ, दंभासुर, दंभासुर का छोटा भाई। दंभी लोग महाराज बड़े विलक्षण होते हैं। एक कथा है कश्मीर में, छोटी बात आपको सुनाते हैं। उसमें वर्णन है, कला विलास उसका नाम है। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, सो महाराज एक सज्जन पधारे, जैसे पधारे अपवित्र पवित्रो बा बोले और कुशा से कमंडलू का जल लेके धरती पर छिड़कें और फिर वो ब्रह्मलोक में चले। ब्रह्मा जी ने देखा, सब लोग उठ के खड़े हो गए, कौन महात्मा आए गए, सबने उत्थान दिया उसको, पर ब्रह्मा जी ने उत्थान नहीं दिया। तब वो खड़े हो गए कि ब्रह्मा जी ने हमको उत्थान क्यों नहीं दिया, हम सबसे बड़े। ब्रह्मा जी बेचारे उठ के खड़े हो गए तो ये हुआ कि बैठो, तो बोले कि सब कुर्सी झूठ हैं, जितने सिंहासन हैं सब पर कोई न कोई बैठ चुका है, हम झूठे सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आओ हमारी गोद में बैठ। महाराज तो उन्होंने कुशा से जल छिड़का ब्रह्मा जी के ऊपर, अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था, जल छिड़क के बैठ गए तो बोले ब्रह्मा से कि सांस बंद करो, नहीं तो तुम्हारे पेट की जो गंदगी है वो सांस में से निकल के हमको लगती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन दम घोटू आ गया। तब लटक के चार मुंह उनके लटक के देखा, बोले अरे बेटा दम्भ, तू तो बहुत दिन के बाद आया, मैंने पहचाना ही नहीं, कहाँ था इतने दिनों तक। कब पिताजी ने जरा मद्रास की तरफ चला गया। महाराज ब्राह्मण लोग उस सड़क पर नहीं चलते थे जिस पर हरिजन चलते हो और जहाँ उनकी छाया पड़ती हो। काशा बेटा बहुत बढ़िया, तेरा पार्क बहुत बढ़िया, मैं तेरे से खुश, इसका नाम होता है दम। ये है पाप का छोटा भाई, अपने पाप को छिपाने के लिए, अपने हीनता के भाव को छिपाने के लिए इसको धारण किया जाता है। कथा तो है कश्मीरी कला विलास की, परंतु अद्वैत संप्रदाय में जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है उसमें इसको थोड़ा परिवर्तन करके लिया हुआ है। प्रबोध चंद्रोदय प्रबोध ज्ञान, ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय हो, प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। आनंद भी दे, प्रकाश भी दे, बहुत बढ़िया अद्भुत नाटक है। उसकी जोड़ का कोई नाटक अद्वैत संप्रदाय में नहीं है। वहाँ रामानुज संप्रदाय में संकल्प सूर्योदय उसकी होड़ में वेदांत प्रादेशिक में बनाया हुआ है। बड़ा भारी नाटक, बड़ा बढ़िया नाटक है वो। अब महाराज ये है दम। अच्छा छोटा भाई कौन है? का पाप। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? का अविद्या पूतना, पूतना, पूतना के भाई दम्भ और दम्भ के भाई पाप। महाराज जो दम्भ करेगा वो झूठ जरूर बोलेगा, वो दूसरे को बहुत सतावेगा। जो गुण अपने में नहीं है, अज्ञानी नहीं है, ज्ञान नहीं है पर अपने को ज्ञानी बताते हैं, भगत नहीं है पर अपने को भगत बताते हैं, पवित्रता नहीं है लेकिन चंदन मंडल लगा के अपने को पवित्र दिखाते हैं। अभी क्या देखते हो हमको चंदन मंडल लगा? अरे महाराज वो चंदन मंडल लगाने के कृष्ण का ऐसा, हा और वो रेशमी वस्त्र पहनेंगे और वो मखमली छत्र लगेगा, भगवान करे ये दिन हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तो अग कहाँ है? अज्ञान और जो गुण अपने में नहीं है वो गुण दिखाने का दम। एक अक्षर वेदांत का नहीं पढ़ा और श्रवण नहीं किया, सदगुरु की सेवा नहीं की, श्रवण नहीं किया, श्रद्धा नहीं हुई और दिखा रहे हम ज्ञानी हैं, तो
यही पाप यही पलता है, इसी के नीचे पाप पलता है। स्वैराचारी हो जाते हैं, जो मर्जी होगी सो करेंगे, जो मर्जी होगी सो खाएंगे, जो मर्जी होगी सो पिएंगे। अब आ गया पाप अग। अग माने संस्कृत में होता है न हन्यते भोगम बिना इति अघ। भोग के बिना जिसका नाश न होए उसका नाम होता है अग। अब महाराज ये कंस का विद्यार्थी था, कंस उसको कुश्ती लड़ना सिखाया करता था। वो कंसानुशिष्ट सब अकीब कानुजह, कंस के द्वारा अनुशिष्ट था। किस गुरु के चेले हो तुम, तुम्हारा उस्ताद कौन है? कंस। पाप का उस्ताद कौन? बोले कंस। कंस माने अभिमान, कसी हिंसायाम कंसत, जो एक अद्वितीय ब्रह्म में परिच्छेद बना देता है, ये तुम, ये मैं, ये वो, ये वो, और ये हिंसक छिन्न भिन्न करने वाला कंस का चेला और मुंह फैला के बैठा। बछड़े गए, ग्वाल घुस गए, उसने कहा कि कृष्ण भी आ जाए हमारे अंदर तब मुंह बंद करेंगे। और ग्वाल बाल सोचते थे कि जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो हमको कौन निगल जाएगा। ये अद्भुत लीला है। वो ईसा ने बड़ी उदारता दिखाई तो बोले कि पाप से घृणा करो और पापी से घृणा मत करो। ये उनकी उदारता है। ये महाराज ब्रह्म दृष्टि है, जहाँ पापी नहीं पाप भी ब्रह्मातिरिक्त नहीं रहता। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। अद्वैत दृष्टि में, अनुभव की दृष्टि में सब परमात्मा है। अरे व्यवहार में जैसा है वैसा रहे, जो उससे हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। व्यवहार में मनु जी हैं का ठीक है, पराशर जी हैं का ठीक है, जागवल्की जी हैं का ठीक है, राजा रईस हैं का ये ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं ठीक है, अरे पुलिस का सिपाही भी ठीक है, चौकीदार भी ठीक है, और सबको महाराज और गुलाम बंदगी करनी पड़ती है, चलो। परंतु अनुभव की दृष्टि से ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा जहाँ हमारे भक्त वहां मैं, यदि भक्त कुएं में गिरेगा तो मैं उसको निकालने के लिए कुएं में जाऊंगा, यदि मेरा भक्त नरक में जाएगा तो उसको निकालने के लिए मैं नरक में जाऊंगा। अपने भक्त को तो मैं छोड़ नहीं सकता, भक्तों के वश में। फिर भगवान ने कहा कि मैं पाप के मुंह में जाऊंगा तो कहीं पाप हमको लग जाएगा? अरे बाबा, मैं पाप के मुंह में जाऊंगा तो पाप फट जाएगा। और पाप पुण्य का भेद कहाँ? ओ महाराज, क्या मैं वहां नहीं हूं? एक बार महाराज क्या हुआ कि मैं भागवत की कथा कर रहा था वृंदावन में, ऊपर हो फाटक है ना, उसके ऊपर बाबा था, और मैंने कथा में कह दिया कि देवकी के गर्भ में भगवान आ गए, प्रकट हो गए। अब वहां थे एक रामानुज संप्रदाय के बागी शास्त्री जी, उनका नाम था, बड़े विद्वान थे, बैठे थे, वो उठ के खड़े हो गए, बोले कि भगवान कभी गर्भ में आते हैं? कर्म के कारण जीव गर्भ में आता है, भगवान कभी गर्भ में नहीं आते। मैं तो चुप नया नया आदमी सफेद कपड़े में गीता प्रेस से आया हुआ था, और मैं तो चुप हो गया। बाबा आकर कुछ गलती हो गई हमसे जरूर। उड़िया बाबा जी बोल पड़े क्यों? और वो देखो यही उनकी महिमा थी। दूसरे महात्माओं के बीच में कभी कथा वार्ता सुनाई तो वो महाराज बाद में बोले तो उसके आगे की बात कह दें, तो हमारी बात रह जाए नीचे और वो अपनी बात को कर दे ऊपर। और महाराज कई लोग तो ऐसे थे, ऊपर सिंहासन पर बैठते थे और कहते थे कि हम नीचे बैठते सिंहासन, तुम नीचे बैठते कथा सुनाओ, ऐसे भी थे। तो और कोई ऐसे थे जो पहले तो सुन लेते और फिर महाराज उसके बाद वाली बात जो है परे परे तो होती या निर्वचनीय तो आई है और उसकी कह देते। अब बाबा उस समय क्या बोले, ये देखो सत्पुरुष की वाणी। बोले क्यों शास्त्री जी, गर्भ में भगवान नहीं है, गर्भ में परमात्मा नहीं है,
शास्त्री जी चुप हो गए और मैं फिर कथा आगे हमारी कथा आगे बढ़ गई। हाँ भाई देखो, आत्मा आत्मी उन्नत काम व्यक्ति, कहीं जाने में उसको कोई डर नहीं है। कृष्ण घुस गए अगासुर के मुंह में, और जब कृष्ण घुस गए और उसमें बंद करना चाहा तो कृष्ण ने कहा कि मैं जिस रास्ते से आया उसको तुमने बंद किया, तो अब तुम्हारे प्राणों वाला जो रास्ता है ना वो मैं पकड़ता हूँ। ब्रह्मरंध्र से निकले। असल में अघासुर की जो आत्मा है वही है जो कृष्ण की आत्मा है। आत्मा अलग अलग नहीं होती, नाम रूप में भेद होता है, सकल सूरत में भेद है, उपाधि में भेद है, हैं? महाराज आज तुम राजा हो, हम प्रजा हैं, हमको सजा दे रहे हो। एक दिन ऐसा आवेगा कि हम हो जाएंगे राजा और तुम हो जाओगे प्रजा। काहे का अभिमान है इस दुनिया में? ऋभु ने निदाग से पूछा कि क्यों निदाग, ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? इनका महाराज राजा का जलूस निकल रहा है, बड़ा भारी महोत्सव है। बोले निदाग, इसमें राजा कौन है? महाराज वो जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना वो राजा है। अच्छा ऊपर क्यों है? हाथी पर जो बैठा है। अरे निदाग, इसमें राजा कौन है, हाथी कौन है? तो बोले कि महाराज जो ऊपर है सो राजा है, जो नीचे है सो हाथी है। तो ऋभु ने कहा कि ये ऊपर नीचे कौन होता है? तो महाराज जो निदाग उनका चेला था, ऋभु जी का शिष्य था, पर भूल गया था, अपने गुरु जी को भूल गया था, बिल्कुल पहचानता नहीं। सुझट वो ऋभु के कंधे पर चढ़ बैठा और बोला कि देखो मैं ऊपर हूँ, तुम नीचे हो। तो ऋभु ने पूछा कि भाई ये तुम क्या और मैं क्या, तुम कौन और मैं कौन? अब तो निदाग की आँख खुली, कहीं हमारे गुरु जी तो नहीं है? छत और सर के चरणों में गिरा। विष्णु पुराण में कथा है वो। ये तुम कौन, मैं कौन, ऊपर कौन नीचे कौन, राजा कौन हाथी कौन, ये तत्व दृष्टि है। अघासुर कौन, भगवान कौन? लो ये भागवत में अघासुर की जो आत्म ज्योति है वो श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण की आत्म ज्योति से एक होती है। अरे बाबा किसी का तिरस्कार मत करो, सबके घट में साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, तोहे पियू मिलेंगे, घूंघट को पट खोल रे, तोहे पियू मिलेंगे। ये है भागवत दृष्टि, जहाँ ब्राह्मणे पुल कसे तेने, ब्राह्मण ये के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर से के चैव समदृक पंडितो मतः। भागवत बोलता है ये देखो क्या, ब्राह्मण में कसाई में चोर में, ब्राह्मणे पुलकसे स्तेने, ब्राह्मणे ब्राह्मण भक्त में वैदिक में, अर्के पुलिंग के सूर्य में, और एक चिंगारी में, अक्रूरे क्रूर के चैव हिंसक में अहिंसक में, समदृक पंडितो मता। जो आत्म ज्योति का दर्शन करता है उसको कहते हैं ज्ञानी, उसका नाम है पंडित। अघासुर की आत्म ज्योति श्री कृष्ण की आत्म ज्योति से एक हो गई। देवता आश्चर्य चकित, ब्रह्मा आश्चर्य चकित, ऐसा तो कहीं वेद शास्त्र पुराण में नहीं मिलता। बड़ा भारी उत्सव। अब ब्रह्मा जी आए, उनके मन में आया कि कृष्ण हमको कोई नई लीला दिखावे और आश्चर्यकारी। कृष्ण ने कहा ओ ब्रह्मा जी, तुमको जिस विषय की जानकारी है उसी विषय में तुमको चमत्कार दिखावे। अब आगे की लीला आपको